हेलो दोस्तों, आज हम बनाने चल रहे हैं स्वीट कॉर्न पकौड़ा। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम भुट्टा छील करके, दाना निकाल लिया है। उसको मैं पेस्ट बनाऊंगी मिक्सर में डाल के। इसमें मैं डालूंगा 4 ग्रीन चिली, 7-8 कली लहसुन डालेंगे। इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने ऐसा पेस्ट बना लिया इसका। इसमें मैं डालूंगी प्याज 2 बड़ा काटी हूँ लंबे लंबे पीस में। प्याज को मैं थोड़ा मसल देती हूँ, अलग अलग हो जाएगा। प्याज डाल देते हैं इसमें। इसमें धनिया भी डालती हूँ। एक मुट्ठी मैंने धनिया भी काट लिया है लेकिन बारीक। थोड़ा मैं खड़ा भी कॉर्न डालती हूँ इसमें, टेस्ट अच्छा आएगा इसका, क्रिस्पी होगा। क्रंची बनाने के लिए मैं इसके लिए चावल का आटा ली हूँ, 3-4 स्पून डाल देती हूँ। और बाइंडिंग के लिए मैं डालूँगी बेसन 3 स्पून बड़े। तो मैं डालूँगी सब्जी मसाला थोड़ा सा किचन की, 1 स्पून बड़े स्पून से। आधा स्पून डालूँगा कश्मीरी लाल मिर्च में इसमें। आधा स्पून डालूंगी हल्दी में। और इसमें मैं डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक 1 स्पून डाल के। फिर अभी आगे दिखाती हूँ आपको मिक्स करके बना के। हाथ से मिलाने में अच्छा रहता है। इसमें पानी नहीं डालना है, कौन पेस्ट बनाते वक्त लिक्विड बन जाता है अच्छा से, तो पानी की नहीं आवश्यकता है। थोड़ा बेसन भी और डाल देती हूँ, 4 स्पून बेसन 4 स्पून और डालने का चावल का आटा, अच्छा बराबर बनेगा आपको। ऐसा होना चाहिए। फ्राई करके दिखाती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसमें रिफाइंड डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। यह तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालती हूँ पकौड़ा। छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सर ब्राउन ब्राउन हो जाए पकौड़ा, पार्टी मान। गैस को तेज़ ही रखना फ्लेम उसका। मेरा पकौड़ा रेडी हो चुका है, अच्छे से मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। थोड़ा गैस को स्लो कर देती हूँ।
को अच्छे से निचोड़ लेंगे। मेरा स्वीट कॉर्न पकौड़ा रेडी हो चुका है। आप इसको चाहे चटनी मेयोनीज सॉस से जिससे भी मन करे उससे खा सकते हैं। और मेरी तरीके से बना के देखिए आप कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसा है। सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। बाय बाय दोस्तों।